हमारे चूजे अंदर है भाई। अरे चूजे को तो चेक करो क्या कर रहे हैं। वो 201 सीन खराब हो गया है। वो ये है कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मंजर है। एक तो हमारी चिकन है उनको देख के दिल खुश हो रहा है, ऊपर से आप मौसम चेक करवा रहे हैं माशाल्लाह क्या खूब। दोस्तों अभी इन्वर्टर के लिए मैं आया था, तो इन्वर्टर अभी जो है बाय कर लिया है। ये है 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है ये। थोड़ी देर तो ये एक्टिविटी देखने वाली बनती है। ये देखे, अरे क्या बात है, क्या पहचान है भाई आने के लिए। और ये देखें भाई, ओह हो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो रही है। आयरा अस्सलाम वालेकुम। ये आयरा बारिश हो गई है भाई। और ये हमारा पिंजरा अभी तक तैयार नहीं हुआ था। हमारे चूजे अंदर है भाई, हमारे चूजे। अरे चूजों को तो चेक करो क्या कर रहे हैं। यहाँ से चेक करो। ओहो ये रहे हमारे चूजे। सही है भाई, सेफ एंड ड्राई है। हाँ भाई क्या कर रहे हो आप। चलो भाई शुक्र है यहाँ पानी नहीं आ रहा, सेफ है ये। और भाई बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया सुबह सुबह भाई, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई है भाई। अरे काफ़ी देर से उठा हुआ हूँ मैं, बाहर भी आया था, मैंने चेक किया था, कोई आसार मुझे लग नहीं रहे थे, और माशाल्लाह से एकदम से बारिश हो गई। आ रहे तो स्कूल के लिए रेडी है आ रहे। और आयरा ने जो बाबा को आगे खबर दी है कि बाबा बारिश हो रही है। बाबा तो एडिटिंग करने के लिए बैठे हुए थे कंप्यूटर पे और बारिश हो रही थी भाई। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। और आयरा आज स्कूल जाएंगे, छुट्टी आपकी छुट्टी करेंगी। लो भाई अब तो आयरा की छुट्टी हो गई। स्कूल में पानी हो रहा होगा। पानी ऊपर रास्ते में भी कैसे जाएंगे हम, बारिश हो रही होगी तो, है ना। तो भाई दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह ये सीन है। मुझे लग रहा है कुछ चलता हुआ बादल है, बादल ज्यादा जो है वो जमा नहीं हुए हुए, मगर भाई अच्छी खासी बारिश हो रही है और जो पहले बारिश हुई थी उससे तेज हो रही है ये बारिश। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और मैं जरा चलता हूँ भाई वहाँ पे, अपनी जो बड़ी मुर्गियाँ हैं लोमन ब्राउन्स एंड ब्लैक्स उनको चेक करते। बारिश तेज हो गई है, कपड़े गीले होने लगे। चलो आ रहे, चलो 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 चलो। यहाँ देखते दोस्तों क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। यहाँ पानी आ रहा है क्या। पहले मैं लोमन ब्लैक्स को चेक करूँ क्या पोजिशन है। यहाँ तो सब ड्राई है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सब ड्राई है। और इनकी फीड भी मौजूद है, पानी थोड़ा सा रह गया, पानी हटा लेता हूँ, फ्रेश हट करेंगे। हाँ भाई आप लोग ठीक हो, खैरियत से हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पिलाई हमारी भीग रही है, मसला नहीं है भाई, ये टेस्टेड हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह सेफ है। अच्छा भाई इनको देखते हैं, यहाँ कहीं साइड से तो पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, या फ्रंट से चेक करो भाई, चेक करो लोमन ब्राउन्स को। लोमन ब्राउन्स को अगर मैं चेक करूँ तो ये जगह तो सारी ड्राई है बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये थोड़ी सी जगह जो हल्की फुल्की सी गीली है, फीड इनकी कम हो गई है। अच्छा अंडा कोई आया है रहा, अंडा आया, अंडा आया, अंडा आया, अंडा तो नहीं आया अभी तक भाई, अंडा तो नहीं आया अभी तक। तो भाई ये पोजीशन है हमारी लोमन ब्राउन्स की, माशाल्लाह ये भी सेफ है। और मैं अभी इसके शेड के नीचे हूँ जैसे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे बूंदे नहीं आ रही, और ये माशाल्लाह से छत अच्छा काम कर रही है, समझ लें कि पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। और ये आप देख भी सकते हैं ये जगह बिल्कुल ड्राई है। अच्छा अंडा अभी तक इनका कोई नहीं आया है। अच्छा भाई आयरा आज दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करने, एक तो हमें मुर्गियों के लिए मट्टी ऐड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे बाबा सोच रहे कोई एक तो बास्केट सी बनाएंगे, उसमें फिर हम मट्टी रखेंगे ताकि वो मट्टी से खेल सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये कि मुर्गियों को जो जहाँ अंडे देती है ना उसके लिए इनकी प्रॉपर इंशाल्लाह एक जगह बनानी है, ठीक है। बाकी हमारी लोमन ब्राउन्स की पोजीशन ये है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सारी जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है, और ये भी जो है वेदर को एंजॉय कर रही है। और ये देखें भाई क्या खूबसूरत मंजर है आयरा, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मंजर है। एक तो हमारी चिकन है इनको देख के दिल खुश हो रहा है, ऊपर से आप मौसम चेक करवा रहे हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मौसम है, ये चेक करें भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हल्की फुल्की बूंदे पड़ रही है और मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है माशाल्लाह। बाल गीले हो गए। चले भाई मुर्गियों की भी अपडेट हमने ले ली लोमन ब्राउन्स और लोमन ब्लैक की, और माशाल्लाह से सारी जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है और प्रोटेक्टेड है, कोई बारिश नहीं आ रही इधर। चूजों की अपडेट भी लेनी आ रही करीब बाबा, चूजों की अपडेट भी लेनी है। और भाई चूजों की अपडेट भी ले ले क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई जीरो साइज और साइज वन के चूजे मैंने मिक्स ही करे हुए, और सबसे पहले जीरो साइज के चूजों को देखें। ये है भाई लोअर ब्लैक का ब्लैक वन, और इसके साथ जो है वो तीन चार थे ना, हाँ ये है चारों, माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा पानी इनका ख़त्म हुआ है, मैं हटा लूँ यहाँ से और इंशाल्लाह फ्रेश पानी इनको ऐड करेंगे। तो भाई ये पोजीशन है हमारे चूजों की, मुर्गियों की, तमाम जो है वो साइज की चूज़ों की, माशाल्लाह से सब जो है वो बारिश में सेफ है। वो 201 सीन खराब हो गया है, वो ये है कि मेरे टूल्स जो है ना वो गीले हो गए, और इसमें से जो लोहे वाले टूल्स हैं फिर वो रस्टेड हो जाएंगे,
तो अभी मैं ये करूंगा कि इनको जो है वो खुश करके ना इसको ऑयलिंग करनी पड़ेगी ताकि ये रस ना पकड़े। अच्छा भाई, आयरा की मम्मा मान नहीं रही है और उन्होंने आयरा को जो है वो स्कूल भेजने के लिए तैयार कर दिया है। और वो बात सही भी है वैसे आयरा मम्मा की, क्योंकि बारिश तो रुक गई है, अब स्कूल आपको जाना चाहिए, है ना। नहीं, असल में हफ्ते इतवार की छुट्टी भी आ रही है तो इनकी मम्मा कह रही है कि नहीं आयरा आप जाओ। ओहो हो, नहीं नहीं अहमद, नहीं क्या करूँ बेटा, बाजी आप सारे हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया आपने। तो भाई फाइनली आयरा को स्कूल जाना पड़ रहा है। चले भाई, आयरे को स्कूल छोड़ के आते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, यहाँ पे जो है वो धूप आ चुकी है तो मैं चूज़ों को जो है खोल लेता हूँ गेट और देखते हैं खुद से बाहर आते कि नहीं। हाँ भाई, आ रहे हो खुद से बाहर, आ जाओ। नहीं, खुद से तो नहीं आया भाई ये बाहर अभी तक। यहाँ से चेक करते हैं इनको। अच्छा, पानी मैं इनका भी निकाल लूँ, नया पानी इनको फ्रेश हेड करेंगे। और भाई रात को बारिश हुई थी बट ये जो है वो सारा जो है वो सूखा हुआ है, माशाल्लाह से सब ओके है। तो मैं इसको भी खुला ही छोड़ देता हूँ और ये के खुद ही घूमते फिरते हुए इंशाल्लाह ये बाहर आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद आके इनको चेक करेंगे कि ये बाहर आए कि नहीं। ये इनका जो है वो यहाँ से व्यू आ रहा है। हाँ भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह, बल्कि थोड़ी देर बाद गए तो फ़ौरन ही यहाँ पर आ गए बाहर। ये देखें भाई, चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सोचा शायद टाइम लगेगा मगर ये फौरन ही बाहर आ गए। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह, अरे क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, अब जो है ना ये जो फैंसी चूज़े हैं ना और दूसरे सारे जितने भी चूज़े हैं, अब माशाल्लाह से इनकी ब्यूटी जो है ना वो खिल के सामने आ रही है, क्योंकि बड़ी जगह पे आए ना तो ये देखें, अरे माशाल्लाह विजिबिलिटी जो है ना इनकी अच्छी हो रही है, क्या बात है माशाल्लाह। और मैं सोच रहा हूँ एक जो है ना छोटा सा टब बनाऊंगा और उनके लिए यहाँ पे भालू मट्टी रखूंगा ताकि यहाँ पे खेले। अरे 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 माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, क्या जबरदस्त रनिंग कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह। परिंदों को भी खुश देख के जो है ना बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह मजे से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चीज को कि हम किसी अच्छी खुली जगह पर है जहाँ पे हम रनिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये चेक करेंगे माशाल्लाह, थोड़ी देर तो ये एक्टिविटी देखने वाली बनती है। कभी अभी ये बड़ी जगह पे आए ना, ये जरा एंजॉय कर रहे हैं इसको। ये देखें, अरे क्या बात है, ये चेक करें, माशाल्लाह, ये अच्छी बात है भाई, इनके आपस में सबकी दोस्ती है। अच्छा भाई दोस्तों, यहाँ पे भी अपडेट देखें क्या है। और पानी का बर्तन इन्होंने गिराया हुआ है अभी, तो ये मैं हटा लूंगा। माशाल्लाह मजीद अंडे आए हुए, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अंडे आए हुए हैं। बाहर नहीं आना है तुमने, यही तुम लोगों की जगह है। अब मैं ज़रा अंडे कलेक्ट कर लूँ। चलो भाई, मैं अंदर ही आके अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे अंदर आके भी जो है अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा फील होता है, तो अंदर आके जो अंडे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तीन अंडे भाई माशाल्लाह से ही आ चुके और माशाल्लाह अच्छे साइज़ के अंडे, फीड इनकी ख़त्म हो गई भी मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, आज इनका हमने बंदोबस्त करना है एक बॉक्स का जिसमें हम जो है वो मट्टी डाल सके और ये खेल सके। दूसरा, एग लेइंग के लिए जो हमने एक बास्केट गन का बंदोबस्त करना है। और मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा सिस्टम कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह है तो मैं सोच रहा हूँ एक बॉक्स का बना के ना उसको, जैसे बाहर जिस तरह उसमें हमने फैंसी केज बनाया था उस तरह कर लूँ। बस उसमें ये देखना पड़ेगा वो जो मेरा ग्रिल है, ये वाला गेट है, जब इसको खोलूँ तो ये इससे टकराए ना, उस तरह का सिस्टम देखूंगा। अगर हुआ तो इंशाल्लाह वो बॉक्स फिट कर देंगे यहाँ पे इनके लिए। तो पानी जो है वो आज भी लहसुन का इंशाल्लाह बनेगा सबका और फिर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ऐड करूंगा। बाकी अभी फीड मैं इनकी ऐड कर देता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, फीड मैंने इनको ऐड कर दी है और माशाल्लाह से खा रही है भाई। चलो अभी फीड इनको भी ऐड कर दी है। अच्छा, अब ये देखें भालू मट्टी से काफ़ी ज़्यादा सफाई है यहाँ पे और यकीन करें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है अब, जो पहले यहाँ पे स्मेल आ रही थी क्योंकि अभी एक दिन गुजर गया इसको भालू मट्टी को ऐड किए हुए, और सफाई भी अच्छी है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। और माशाल्लाह तीनों जो है वो हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा भाई दोस्तों, अपनी तमाम चिकन्स के अपडेट ले लेते हैं। क्या है अपडेट? पानी जो है मैंने सबको ऐड कर दिया था और आज जो है वो मैंने सादा पानी ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ा लेट पानी ऐड किया था जिसकी वजह से जो है वो लहसुन का पानी मैंने बनाया नहीं, तो चूहे लग रहा है यहाँ पर है सारे। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? फीड तो उनकी खैर अभी मौजूद है और पानी वगैरह पिया आप लोगों ने? पानी तो उनका यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा भाई, इनको यहाँ पे कर देते हैं बंद और भाई यहाँ से देखते क्या कह रहे हैं भाई। हाँ भाई, सब खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे जो हेल्दी एंड एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा भाई, बाकी छोटे वाले चूज़ों की अपडेट लेते हैं। इनको भी मैंने पानी ऐड कर दिया था
और इनकी अपडेट ये है कि भाई, हाँ भाई क्या है आपकी अपडेट? सब ओके की रिपोर्ट है। हाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सब हेल्दी एंड एक्टिव है, फ्लाई कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मैं जो है ना सबसे पहले छोटे वालों को चेक करता हूँ, क्योंकि ये अभी ज़रा छोटे हैं दूसरे चूज़ों के मुकाबले में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ खा पी ना रहे हो और ये थोड़े सुस्त हो रहे हो, तो नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह सब सही है भाई। छोटे वाले भी सही हैं माशाल्लाह, ये देखें भाई ये बैठे हुए सारे जो है माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव हैं, पानी इनका स्टिल मौजूद है। अच्छा सफाई इनकी करनी है, ये लकड़ी का बुरादा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। बाकी भाई लोमन ब्राउन्स को चेक करते हैं क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं भाई, ये तो आराम कर रही हैं यहाँ पे, ये देखें भाई आराम कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा पानी इनका भी ऐड हो गया था, सबको ही ऐड कर दिया था पानी तो, बाकी अंदर से देख लें। अच्छा एक अंडा जो है वो दोपहर को आया हुआ था, वो मैंने उठा लिया था यहाँ पे रखा हुआ था, और एग लेंग का इनका सिस्टम करना है अभी, तो उसको देखें ये मट्टी समझ के जो है उस पर लेट रही है, ये देखें हाँ मट्टी नहीं है भाई, ये मट्टी ऐड करनी है आप लोगों के लिए। हाँ बाकी एक एक तो एग लेंग की बास्केट, दूसरा इनकी जो है ना मट्टी करें जो है वो एक बास्केट बनानी है वो ऐड करनी है। बाकी भाई लोमन ब्लैक्स और ब्रामा जो हमारा रूस्टर है ये क्या कर रहे हैं भाई, फीड भी मौजूद है इनकी, पानी भी मौजूद है, और इनकी जगह भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हो गई है अब मट्टी डलने के बाद साफ़ सुथरी, और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई रूस्टर का साइज़ चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई सारी जो है वो हेल्थी एंड एक्टिव है माशाल्लाह से। बाकी 225 के पिंजरे की अपडेट ये है कि भाई सुबह से अभी तक उसका कोई काम हुआ नहीं है, काशिम अभी तक आए नहीं है, दूसरा मैं भी जो है उसको नहीं कर पा रहा हूँ उसका कोई काम। अच्छा दोस्तों अभी मुझे सोलर इन्वर्टर लेने के लिए जाना है, कुछ एक्सेसरी सोलर की जो है बाय करनी है एक क्लाइंट के लिए, तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो वहाँ से फिर मैं बाय करके उनके लोकेशन पर इंशाल्लाह उनको पहुँचानी है, और फिर जो है वो आके देखेंगे कि भाई ये जो बास्केट बनानी है इसकी, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ मट्टी के लिए इनकी बास्केट बना दूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो जल्दी बन जाएगी, सोच रहा हूँ वो बना के रख दूँ, उसके बाद एग लेंगी अगर बास्केट का अगर टाइम मिला तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, जो भी पहले हमें सूटेबल होगी वो वाली बास्केट इंशाल्लाह पहले बना लेंगे, तो आगे इंशाल्लाह फिर मैं वो काम करूँगा। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर लगती है वहाँ पे, हो सकता है मगरिब हो जाए मुझे वहाँ पे, तो ये काम करके आता हूँ फिर इंशाल्लाह यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों अभी इन्वर्टर के लिए मैं आया था, तो इन्वर्टर अभी जो है बाय कर लिया है और इसका जो बिल वगैरह सारा बना लिया, और ये मैं अक्सर ये से पूरी सोलर से ही परचेजिंग करता हूँ, तो ये बेसिकली हमने बाय किया है, ये है 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, बाकी इसके अलावा चार पैनल जो है वो और बाय कर रहे हैं, ये बड़े वाले जो पैनल होते हैं ना इसी तरह के जो है वो चार पैनल इंशाल्लाह और बाय कर रहे हैं, तो करके निकलते हैं लोड करेंगे इसको। ये जो इन्वर्टर हमने बाई किया है, ये हमने बाई किया है 1,63,000 का, और प्राइसेज इनकी है कि अप डाउन होती रहती है, और पैनल जो हमने बाई किए हैं वो 575 वॉट के लिए जिनको का लिया है एन टाइप बाईफिशल वाला, वो हमें पड़ा है 56 रुपीज़ पर वॉट, तो पैनल्स की ये रेट जो है अप डाउन होते रहते हैं, बट ये अभी के जो रेट थे आज के जो रेट थे उसके हिसाब से अलहमदिल्ला लोएस्ट पर मिल रहे हैं, तो बस ये आज की परचेजिंग है हमारी सोलर की। अच्छा भाई दोस्तों सोलर की मार्केट से अभी अभी मैं वापस घर आया हूँ, और अभी मैंने आते ही भाई ये देखा कि चूज़े जो है वो अंदर नहीं गए और चूज़े इधर ही बैठे हुए, अब ये कि रात हो रही है थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो ये सही नहीं है इनको यहाँ पे बैठना, सब जो है वो कोने पे एक ही जगह जमा हुए हैं, तो मैं इनको जो है वो अंदर जो है वो बंद करता हूँ। चलो भाई अंदर जाओ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, शाबाश 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 अंदर जाओ शाबाश, अंदर जाइए सारे सारे अंदर जाइए। अच्छा सब एक ही जगह कोने में जमा हो रहे हैं, अब इनको अंदर ले आना पड़ेगा। अच्छा मुझसे डर रहे हैं, मैं ज़रा इस तरह पाऊँ ताकि ये फिर इधर जाएं। जाओ शाबाश इधर जाओ इधर जाओ, बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं, ये तो मसला हो जाएगा कि सारे बाहर निकल गए, तो सारे अंदर आ गए वापस, अगर उस तरफ नहीं जा रहे मैं गेट बंद करके जो है वो इनको वहाँ भेजूँ, तो अभी असल में इन्होंने लर्न नहीं करा है कि इनको अंदर कैसे जाना है, तो इस वजह से जो है ये हो रहा है सीन, डबल डबल मेहनत हो रही है। चलो भाई शाबाश उधर जाओ जाओ शाबाश उधर जाओ 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 शाबाश शाबाश आप लोग भी जाओ शाबाश शाबाश जाओ जाओ जाओ। चलो भाई फाइनली जो है वो सारे चूजे वो अंदर आ गए, इसको मैं गेट को भाई बंद कर देता हूँ। चलो भाई चलो फाइनली भाई बंद हो गया, बस इनकी परेशानी थी मुझे, मैंने आते ही इनको देखा मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, और ये आ गए हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सारे, और माशाल्लाह सारे हेल्दी एंड एक्टिव है। पानी भी इनका मैं इधर ही रख देता हूँ, पानी आ जाओ चलो फिर आपको पानी भी आ गया, अब यहाँ पे रिलैक्स रहो आप, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह
चलो भाई ये एक जिम्मेदारी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई पूरी। इनको जो है वो सेफ्टी जो है वो बंद करना था, तो अभी ये यहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों अभी सीन ये हुआ कि अभी तकरीबन 9:15 हो रहे और आज जो है वो कोई काम ज़्यादा हो नहीं पाए ब्लॉग के हवाले से। वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो गए, सोलर के जो भी काम थे वो काफ़ी हद तक निपट गए। और ये हमारा पिंजरा जो है वो वैसी का वैसी पड़ा हुआ है अभी तक, आज 4 दिन में तो इस पर हाथ ही नहीं लगा और आई थिंक मैं हाथ काशिप भी नहीं आया आज। तो ये सीन हुआ है, बाकी इनकी मिट्टी का जो वो था बनाना था मुझे वो भी नहीं हो पाया काम, मतलब बालू पट्टी के लिए बॉक्स बनाना था वो भी नहीं हो पाया और जो उनके एग लेंग का बॉक्स है वो भी नहीं हो पाया। तो अब कल देखेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के कल करता हूँ अभी ये काम। अच्छा भाई दोस्तों सुबह ही सुबह जो है वो एक मैंने ये ज़रूरी काम स्टार्ट किया हुआ है कि मुझे जो है वो मुर्गियों के लिए अंडे देने के लिए बॉक्स बनाना था, तो इस बॉक्स को मैंने रेडी कर लिया है और अब इसको इंस्टॉल करना है। तो इस पोजीशन में बेसिकली मैं इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो एज पर डायमेंशन जो है मैंने सारी चीज़ें जो है वो बना के काट के रखनी है, तो जस्ट इसको अब इसकी असम्बली करनी है। अच्छा यहाँ पर जो है ना यहाँ पर एक एल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले तो मुझे ये खोलना है ताकि बॉक्स यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब बेसिकली यहाँ पे एल ब्रैकेट का काम जो है ना वो ये बॉक्स करेगा। अच्छा भाई दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरीके से वर्किंग कर रहा है भाई, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बन गया और मुर्गियाँ भी मुझे लग रहा है इसको सेंस कर रही हैं, ये अंडा देने के लिए जो है वो आने के लिए बेचैन है ये देख सकते हैं आप। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अंदर से जाके जो है इस जाली को कट करना है ताकि मुर्गियाँ ईजिली जो है यहाँ पे बॉक्स में आ सके। अच्छा भाई आज आयरा भी हमें हेल्प आउट करनी है काम में। आयरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा आयरा इसको खोलिएगा। अच्छा दोस्तों मैं इसमें घास भी ऐड कर दूँ क्योंकि जब ये कट जाएगा तो मुर्गियाँ इसमें आना शुरू हो जाएंगी, तो घास ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई हटो 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 हटो, जाली कट करनी है, हटो हटो हटो, शाबाश शाबाश शाबाश। एक छोटा सा मसला हो गया जो मैंने चेक नहीं किया था, यहाँ पे जो है वो गैप आ गया है, तो अब मैं जैसे जाली यहाँ से काटूंगा ना तो ये गैप रहेगा, तो खैर मुर्गियाँ यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकती, बट फॉर द टाइमिंग अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, तो बाद में मैं यहाँ पे इस पर पट्टी लगा दूंगा जिससे जो है वो ये जाली यहाँ से फिक्स हो जाएगी। तो भाई दोस्तों फाइनली कटने के बाद कुछ ये लुक आ गया है माशाल्लाह से, और फिर बाद में मैं यहाँ पे पट्टी लगा के ना इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे स्क्रू कर दूंगा। मुर्गियाँ बेचैन है भाई आने के लिए, और ये देखें भाई ओहो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सामने ही सामने जो है मुर्गियाँ चली गई अंडे देने के लिए, ये चेक करें भाई माशाल्लाह, और एक नहीं तीन तीन पहुँच गई। चलो ये अच्छा है माशाल्लाह से तीन अकोमोडेट हो गई इसमें, मगर इससे ज़्यादा फिलहाल हो नहीं सकती भाई। अभी यहाँ से हम इजीली चेक करके अंडे उठा सकते हैं, और ये देखें भाई हाइट भी इसकी सही है माशाल्लाह से मुर्गियों के हिसाब से, और तीन मुर्गियाँ अभी इस वक्त बैठी हैं। चलो भाई आप बैठ के अंडे दो यहाँ पे, चलो शाबाश, खैर जगह को इन्होंने पहचान लिया। तो भाई दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो ये काम हो गया, हमने जो है वो उसका नेस्टिंग बॉक्स बना लिया मुर्गियों का,
तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो गाइस इसको लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।